हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 9.6 से क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन है एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1। तो उसको पहले डी वाई डी एक्स या डी एक्स अपॉन डी वाई, ये देखो थोड़ा उल्टा है। पहले हमने क्या किया था, हमने किया था डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो ये थोड़ा अलग होगा क्योंकि डी वाई डी एक्स में बनेगा नहीं, ये फॉर्म में बनना चाहिए ना, बनेगा नहीं है। तो उसको हमने बनाएंगे डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, इस फॉर्म में लाएंगे इसको। तो इसमें कैसे आएगा, तो एक्स प्लस वाई ऐसे ही रहेगा, ये डी एक्स वहाँ जाएगा, डी वाई यहाँ नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई। ठीक है, तो यानी इस हिसाब से बनेगा, तो क्या बन जाएगा, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पहले एक्स आता है तो एक्स वाला इधर आएगा, एक्स वहाँ जाएगा तो क्या होगा, माइनस एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, ये वाई इधर जाएगा, एक्स वहाँ चला जाएगा, अब ये बन गया। अब यहाँ पी क्या होगा, पी होगा यहाँ पे माइनस वन, क्योंकि एक्स के साथ है ना, ये एक्स का टर्म होती है यहाँ पे, और क्यू हो जाएगा वाई। अब निकालेंगे इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। पहले वाले में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये निकलता ई पी डी एक्स। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई पी डी वाई। तो निकालेंगे क्या आएगा, ई पी कितना है, माइनस वन डी वाई, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा माइनस ई माइनस बाहर और वाई आएगा, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। फिर इक्वेशन होती है हमारी वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का डी एक्स, ये होता था प्लस सी। अब क्या करेंगे, इसका इक्वेशन बन जाएगी वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, डी वाई के, तो यहाँ पे आ जाएगा डी वाई प्लस सी, बस इतना अंतर रहेगा इसमें। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ई की माइनस वाई इक्वल टू क्यू है, क्यू कितना है वाई, वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की माइनस वाई डी वाई प्लस सी, इसमें लग जाएगा बाई पार्ट। तो ये तो हो जाएगा वाई ई का माइनस वाई इक्वल टू बाई पार्ट में एक्सपोनेंट लास्ट में होता है, ये फर्स्ट फंक्शन होगा तो फर्स्ट बाहर आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ई का माइनस वाई, और फिर इसका डिफरेंशिएशन नीचे लिखते हैं तो माइनस वन आएगा, तो माइनस का यहाँ पे आ जाएगा, फिर साइन माइनस का आता है, फिर इंटीग्रेशन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वन आएगा वाई का, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ई का माइनस वाई आएगा, माइनस वन का माइनस वाई का डिफरेंशिएशन इसके नीचे लगते हैं माइनस वन, ये माइनस वन यहाँ आ गया प्लस वन हो जाएगा, और डी आई प्लस सी। ठीक है, अब वाई ई की माइनस वाई इक्वल टू माइनस वाई ई की माइनस वाई, ठीक है ये हो गया, और प्लस ई वाई का फिर करेंगे ई का माइनस वाई, और माइनस वाई का अगेन करते हैं डिफरेंशिएशन, उसको नीचे लिखते हैं तो माइनस वन आएगा प्लस सी। अब क्या होगा, अब उसको लिखते हैं, अब ई माइनस वाई को डिवाइड कर देंगे, तो वाई ऐसे ही रहेगा, यहाँ माइनस वाई ई की माइनस वाई नीचे ई की माइनस वाई, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ई की माइनस वाई नीचे ई की माइनस वाई, प्लस सी अपॉन इसके नीचे भी ई की माइनस वाई आ जाएगा, ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, तो वाई आ जाएगा माइनस वाई माइनस वन प्लस सी, इसको ऊपर लाएंगे तो ई की प्लस वाई आ जाएगा। ठीक है, और इस सबको यहाँ लाते हैं तो वाई, देखो एक छोटी गलती हो गई है, यहाँ हमारा इक्वेशन थी वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो यहाँ बनेगा यहाँ एक्स इंटू होगा, यहाँ वाई नहीं एक्स होगा। ठीक है, यहाँ सारा एक्स होगा, इसमें ध्यान देना एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स, यहाँ भी एक्स, ये हो जाएगा एक्स, ये माइनस वन यहाँ आएगा तो प्लस वाई, माइनस वन यहाँ आएगा तो प्लस वन इक्वल टू सी ई की वाई, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, डी एक्स डी वाई में एक ध्यान चीज़ ध्यान देना कि डी एक्स डी वाई आएगा प्लस पी एक्स आएगा इक्वल टू क्यू आएगा, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई पी डी एक्स की जगह ई पी डी वाई आएगा, और पहली बार इक्वेशन ये होती थी, इस बार इक्वेशन क्या आएगी, वाई वाली नहीं आएगी, एक्स की टर्म में आएगी, एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई प्लस सी।